जगह। हेलो बच्चों, तो जैसा कि हमें पता है और इतना कि एनाटॉमी में हम डाइसेक्शन करके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और फिजियोलॉजी में हम उस स्ट्रक्चर का फंक्शन करते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल कि हमने सेल को डाइसेक्ट करा, फिर उसके बाद उस सेल के अंदर क्या क्या था उसकी स्टडी करी, एक टिश्यू का डाइसेक्शन करा और उस टिश्यू में कौन कौन से सेल्स थे उनकी स्टडी करी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमने उस टिश्यू की एनाटॉमी करी। पर फॉर एग्जाम्पल कि वो टिश्यू फंक्शन क्या करता है, वो जिस ब्रांच में हम पढ़ेंगे वो होती है फिजियोलॉजी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नॉलेजफुल चीज़ लेकर आई हूँ। मैं आपको आज बताऊंगी कि एनाटॉमी में कौन कौन से ब्रांचेस होती हैं और फिजियोलॉजी में कौन कौन से ब्रांचेस होती हैं। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आती है आपकी एम्ब्रियोलॉजी। तो आप एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं उसके एनाटॉमी में, उसमें आप पढ़ते हैं कि फर्स्ट 8 वीक ऑफ द डेवलपमेंट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एग, जब आपका एक जायगोट आपका स्पर्म और एग फर्टिलाइज होता है और उस फर्टिलाइजेशन के 8 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ते के अंदर अंदर की जो स्टडी होती है वो आपके आती है एम्ब्रियोलॉजी में। इसमें आपको उस ह्यूमन मतलब उस सेल का पूरा डाइसेक्शन करेंगे, कुछ भी करके उसकी स्टडी करेंगे, वो आ गई आपकी एम्ब्रियोलॉजी में। फिर आती है आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपके बर्थ से लेकर या फिर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द डेथ। फर्टिलाइजेशन से लेकर एक इंडिविजुअल जो फर्टिलाइज हुआ होगा और उसकी डेथ तक कि पूरी स्टडी आपकी किस में आती है, आपकी आती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। ये भी आपकी ब्रांच है एनाटॉमी की। तीसरा है आपका सेल बायोलॉजी, जिसमें आप सेल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को पढ़ते हैं। मीन्स आप इसमें सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, दैट्स वाई सेल बायोलॉजी है और ये सेल की भी एनाटॉमी है। इसमें आप सेल कैसे काम करता है, क्या करता है, सब कुछ पढ़ते हैं। फिर आती है आपकी हिस्टोलॉजी। इसमें आप एक टिश्यू को स्टडी करते हैं, एक टिश्यू को डाइसेक्ट करते हैं और उसके माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को आप कहते हैं हिस्टोलॉजी। फिर आती है आपकी ग्रॉस एनाटॉमी। इसमें आप कोई भी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर डेट कैन बी एग्जामिन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, कोई भी स्ट्रक्चर को आप एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के बिना, ये आपकी होती है ग्रॉस एनाटॉमी। फिर आती है आपकी सिस्टमेटिक एनाटॉमी। सिस्टमेटिक एनाटॉमी में आप क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक सिस्टम का, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नर्वस सिस्टम हो गया, आपके बॉडी में 11 तरीके के सिस्टम्स होते हैं। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, आपकी बॉडी में 11 सिस्टम्स होते हैं, उन 11 सिस्टम में से कोई भी एक स्पेसिफिक सिस्टम की जब आप स्टडी करेंगे तो वो स्टडी क्या कहलाएगी, आपकी सिस्टमेटिक एनाटॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने नर्वस सिस्टम के कर रही है या रेस्पिरेटरी सिस्टम के कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आती है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी जो होती है आपकी, इसमें आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी का कोई स्पेसिफिक एक रीजन होगा, आप उस रीजन की स्टडी करेंगे तो वो आपके किस में आएगी, वो आपकी आएगी रीजनल एनाटॉमी में। फिर आती है आपकी सरफेस एनाटॉमी। इसमें क्या आप स्टडी करते हैं, आप किसी भी बॉडी के सरफेस को टच करके विदाउट इंटरनल एनाटॉमी, आप उसका डाइसेक्शन नहीं करते, विदाउट इंटरनल एनाटॉमी आप उसको टच करके, जस्ट टचिंग के थ्रू ही आप क्या करते हैं उसको स्टडी करते हैं, तो वो आपके किस में आते हैं, आपके आते हैं सरफेस एनाटॉमी में। फिर आती है आपकी इमेजिंग एनाटॉमी। इसमें आप क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि आप अपने उन टेक्निक्स के हेल्प करके, जैसे कि हो गया MRI, एक्सरे, CT स्कैन और भी अदर टेक्नोलॉजी होती है जिनकी हेल्प से आप क्या करते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का स्टडी करते हैं, तो वो किस में आती है, वो आपकी आती है इमेजिंग एनाटॉमी में। फिर आती है आपकी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। आपकी जो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी होती है उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज क्रॉस टू माइक्रोस्कोप एसोसिएटेड विद डिजीज, बकायदे स्पेसिफिक डिजीज की वजह से जो भी चेंजेस आए होंगे आप उसे स्टडी करते हैं अपनी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। तो ये थे आपकी एनाटॉमी की ब्रांचेस। अब हम देखते हैं अपनी फिजियोलॉजी के ब्रांचेस। तो देखिए, फिजियोलॉजी में सबसे आता है आपका मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी मीन्स आप इसमें DNA के फंक्शन की स्टडी करेंगे, फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, चाहे कोई भी बायो मॉलिक्यूल हो, आपके बॉडी में बहुत तरीके के बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, ये सारे आपकी बॉडी में क्या है, ये सारे आपकी बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो जब आप उन बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं तो वो जिसके अंदर आता है वो आपके कहलाते हैं मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, ठीक है। पर आप उन बायोमोलिक्यूल के फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, आप उनका डाइसेक्शन नहीं कर रहे हैं, ओके। फिर दूसरी आती है आपकी न्यूरोफिजियोलॉजी, इसमें जो आपके नर्व सेल्स होते हैं आप अपने न्यूरॉन्स के, आप अपने नर्व सेल के फंक्शन को स्टडी करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। फिर थर्ड आता है आपका एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी में आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हॉर्मोन्स निकले होते हैं आप इसमें पूरे उन हॉर्मोन्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं, आप अपने एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपको कहलाते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। फॉर एग्जांपल हॉर्मोन्स एंड हाउ दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शंस, एंडोक्राइन ग्लैंड से आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी को कैसे क्या मतलब कैसे रेगुलेट कर रहे हैं आप वो स्टडी करते हैं अपनी एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। फिर आता है आपका कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, आपका हर्ट, कार्डियोवैस्कुलर कार्डियो मीन्स होता है हर्ट, तो आपका एक हर्ट कैसे फंक्शन करता है आपकी बॉडी में, आप जब अपने हर्ट की स्टडी उसके फंक्शन की स्टडी कर रहे होते हैं तो वो किसके अंदर कर रहे होते हैं, आप अपने कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। फिर आता है आपका इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी आप अपनी इम्यूनोलॉजी में जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी उस पैथोजन से आपकी कैसे डिफेंस करती है, उस चीज की स्टडी आप किसके अंदर करते हैं, इम्यूनोलॉजी के अंदर। तो देखिए द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट, आपकी बॉडी कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट डिफेंस कर रही है तो वो आप स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी में। फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, मीन्स आप कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, आपके रेस्पिरेशन में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो पूरे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी आप जिस में भी करते हैं वो आप कहलाती है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। फिर आते हैं आपके रीनल फिजियोलॉजी, रीनल मतलब होता है किडनी, एक किडनी की स्टडी करना कि वो कैसे फंक्शन कर रही है वो आप जिसमें स्टडी करते हैं वो कहलाती है आपकी रीनल फिजियोलॉजी। फिर होती है कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में चेंज इन दी सेल एंड ऑर्गन फंक्शन ड्यू टू दी मसल मस्कुलर एक्टिविटी, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, ऑब्वियसली आपके मसल्स भी किससे बनी है, सेल्स, ठीक है। तो आपके मस्कुलर चेंजेस होने की वजह से आपके सेल्स में आपके ऑर्गन सिस्टम में जो भी चेंजेस आए हैं वो कैसे तब फंक्शन कर रहे हैं उस चीज़ की स्टडी आप करते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका लास्ट है पैथो फिजियोलॉजी, मीन्स फंक्शनल चेंज एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एजिंग, आपके बॉडी में कौन कौन से फंक्शनल चेंज है जब आपके बॉडी में किसी पैथोजन ने एंटर करा या फिर जब आपकी एजिंग हो रही है, मीन्स आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी आप किसके अंदर करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी और नॉलेजफुल रही होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बी सेफ।